दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाली एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अगर दो साल पहले देखे तो कहीं 40 से 50 रुपए का भाव था, एक साल पहले उसका भाव 80 रुपए था और अब भाव जा पहुंचा है 200 रुपए के आसपास और अभी भी कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में वो कंपनी ट्रेड कर रही है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल भी आपको कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट ये स्टॉक मेरी नजर में आया, मुझे लगा कि आपसे मेरा व्यू पॉइंट डिस्कस करना चाहिए तो मेरा व्यू आपसे शेयर कर रहा हूं। आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं अपनी स्टडी करने के बाद ही ट्रेड लेना। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस इस वीडियो के थ्रू मैं नहीं दे रहा हूं, इट इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, मुझे क्या लगता है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल्स देखने की कोशिश करेंगे, डिसीजन फाइनल आपका हुआ, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, राइट। तो ये कंपनी करती है, चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर में जो हम एक ऐसे स्क्रीनर के पास जाएंगे जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, जहां पे किसी भी कंपनी को स्टडी करने से पहले उसके थोड़े से फंडामेंटल्स चेक करने बहुत जरूरी है। जैसे अगर वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, उस कंपनी का आरओई क्या है, उस कंपनी का आरओसी क्या है, और वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, लेने वाली है या नहीं है, धंधा क्या करती है, सेल्स कैसी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है, क्या खर्चा कंपनी कर रही है, एसेट बैलेंस शीट क्या कहती है, सब चीजें देखने के बाद आपको तय करना चाहिए कि फंडामेंटली कंपनी ठीक है। अब हम इसमें टेक्निकली एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल्स के पास चलते हैं और पहले चलते हैं screener.in जो फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों मैं हमेशा से अपने चैनल के ऊपर में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं जो फ्रीली डोमेन में अवेलेबल है और जहां आपको उसको स्टडी करने में कोई टेंशन नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूं BLS इंटरनेशनल लिमिटेड की। ये कंपनी करती क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसको स्टडी करना screener.in पे जाइए, यहां पे अपना लॉगिन कीजिए जीमेल वगैरह से और कंपनी सर्च कीजिए। तो चलिए चलते हैं कंपनी के स्टैट्स को चेक करते हैं, कंपनी क्या कहती है, कंपनी क्या करती है। कंपनी वीजा एप्लीकेशंस में काम करती है और आउटसोर्सिंग का काम है, 62 कंट्रीज में कंपनी अवेलेबल है, 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं और 2325 ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड है। 2005 में जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसको देख सकते हैं screener.in की फ्री वेबसाइट है जहां पे सिर्फ आपको जीमेल से लॉगिन करना है और सारा लेखा जो आपको यहां मिल जाएगा जो फ्री में है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसकी वैल्यू कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पे देखा है तो 86% रेवेन्यू आता है इंटरनेशनल बिजनेस से आता है, 14% इंडिया से आता है। रेवेन्यू सेगमेंट 2022 में देखें तो 89% रेवेन्यू वीजा आउटसोर्सिंग से आया है, 9% ई गवर्नेंस से आया है और कंपनी टॉप के 3 प्लेयर्स में से है जो वीजा आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, दे आर अमंग द टॉप 3। तो अपने आप में ये कंपनी मार्केट लीडर्स के बीच में से है तो एक शानदार कंपनी बन जाती है। द ग्रुप सर्व्स अराउंड 20 इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस। सोच के देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है कंपनी की, कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और जबरदस्त काम कर रही है। अब मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ फिर भी कंपनी मुझे अच्छी लगी इसलिए शेयर कर रहा हूँ। 8106 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अच्छी स्मॉल कैप है, डेट है 6.5 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक का पी 39.9 और इंडस्ट्री का पी 36.4, मतलब ऑलमोस्ट फेयरली प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.6%, विच इज एक्सेलेंट। डिविडेंड भी कंपनी पे करती रहती है, लाइफ टाइम लो 83 रुपीज का है, लाइफ टाइम हाई 209 रुपीज के आसपास है, अभी कंपनी चल रही है 197 रुपीज के आसपास में। तो यहाँ कंपनी का कैश इक्विवेलेंट है 476 करोड़, उसके मतलब कंपनी में डेट है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीटली डेट फ्री। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 17% है। इन्वेस्टर्स देखते हैं कौन कौन है, प्रमोटर के पास 74.4% इक्विटी है जो होल्ड कर रहे हैं, मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा है। FIs भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है, FIs ने हालांकि अपना स्टेक को ओपन ही चेक किया है, हालांकि 2020 में 2% के आसपास में इक्विटी इनके पास हुआ करती थी, जो मार्च 2021 में 1% के आसपास गिर के रह गई थी, वहीं ये वापस से बढ़ते बढ़ते 7-8% के आसपास FIs की इक्विटी है, जो अच्छा है। DIs की बात करें तो DIs का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और पब्लिक के पास में 17% के आसपास इक्विटी है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि अगर FIs और DIs को मिलाकर अगर 70-80% इक्विटी अगर है तो वो कंपनी के टारगेट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब मैं बात करने के लगूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की तो और भी ज्यादा खुशी देखने वाली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, वही बढ़ के 2023 में 3 साल के अंदर अंदर 221 करोड़, 3 गुना, मतलब शानदार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही 55 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़, 4 टाइम्स हो जाता है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 2020 से 52 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़, मतलब 4 टाइम्स की ग्रोथ है, जबरदस्त। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या 4 साल में चार्ट ने वो रिटर्न दी है। जी हाँ, चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें 2020 में ये जो स्टॉक था ये कहीं एक रेंज में चला था 15-16 रुपए के आसपास में। अब लोग कहते हैं क्या स्मॉल कैप्स मल्टीबैगर बन सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल ECG की लाइन भी नहीं थी, हार्ट बीट भी नहीं दिखाई देती थी, वहीं कंपनी ने कंसोलिडेशन किया। उसके बाद जब कंपनी निकली फिर 40 रुपए की रेंज में कंपनी ने काफी देर ट्रेड किया और 2020 से लेकर अब तक ये रिटर्न जबरदस्त हो चुकी है और ये कंपनी अभी भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में दिखाई दे रही है। दिस इज बुलिश फ्लैग पैटर्न। कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस टेक्निकली दी है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो के ट्रेंड के साथ कंपनी ने फॉर्मेशन दिया है। करेक्शन हुआ पर करेक्शन को ये होल्ड करते हुए एक ब्रेकआउट देते हुए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और कहा जाता है कि जितनी पोल की लेंथ होती है अगर फ्लैग पैटर्न वो ब्रेकआउट दे रहे तो पोल जितनी मूवमेंट उस शेयर में आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 रुपीज से
200 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 120 रुपीज की मूवमेंट आ चुकी है। 200 रुपीज में अगर 120 रुपीज ऐड किया है तो क्या इसका टारगेट 320 बन सकता है? दोस्तों यार आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको इसका कोई टारगेट नहीं देने वाला हूँ, बट यहाँ पे टेक्निकली इसमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव्स भी हैं, वॉल्यूम्स भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। डेली चार्ट पे ऐसा दिख रहा है, चलो वीकली चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे भी क्या ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट के ऊपर भी सस्टेन्ड ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम्स अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार डिविडेंड पे करती है, सबसे अच्छी बात है, बोनस भी कंपनी देती है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी शानदार है, कंपनी के टेक्निकल्स भी शानदार है। अब पूछेंगे सर करना क्या है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़ाई लिखे को फारसी का, अब ये डिसीजन आपका है। मेरे हिसाब से मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, कहीं वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, मंथली चार्ट के ऊपर भी कंपनी के अंदर सॉलिड रिटर्न दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी में क्या करना चाहिए इतना तो एक बच्चा भी समझ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लग रही है, तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे शेयर्स ढूंढ रहे होते हैं जिनमें वो अपनी वॉचलिस्ट में रख सके, जो शायद मल्टीबैगर हो सकते हैं। तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग ऑन समथिंग, प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटीज। टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।